अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ एंड मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। डियर वन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 66 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उस लेक्चर का लिंक देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी जो है ना मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और यहाँ पे आई बटन पर भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर मैं आज के लेक्चर की बात करूँ तो आज के लेक्चर में इसके बाद वाला जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है फाइंडिंग डेरिवेटिव वैल्यूज, ये वाला जो हमारे पास पोर्शन है इसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 से लेके क्वेश्चन नंबर 72 तक देखेंगे। ये भी सिंपल है, अगर आप लोग एक क्वेश्चन को कंप्लीट समझ लेंगे आपको मैं गारंटी देता हूं कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस खुद से आसानी से कर सकते हैं। सिंपल है, इजी है। अगर उससे पहले आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो लेकर आता हूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखें जी, सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। कहते हैं जी एफ ऑफ यू विच इज इक्वल टू यू की पावर 5 + 1 और यू यहां पे उसने दिया हुआ है जी एफ एक्स के बराबर और जी एफ एक्स उसने दिया हुआ आप लोगों को स्केयर रूट एक्स के बराबर और यहां पे जो एक्स है वो 1 के बराबर है। तो यहां पे सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ी स्टोरी बना के सुनाता हूं कि बेसिकली हमने इन क्वेश्चन के अंदर करना क्या है ताकि आपको समझ आ जाएगी। उसने हमें ये बोला हुआ कि आप लोगों ने एफ ऑफ जी, ये जो हमारे पास है एफ ऑफ जी प्राइम, ये जो है ना वो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है एट एक्स पे, ठीक है। एक्स उसने हमें दिया हुआ है, यहां पे एक्स उसने 1 दिया हुआ, कहता है एक्स के ऊपर आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ जी प्राइम आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। अब ये दरअसल देखें यहां पे आपके पास एक्स का फंक्शन, एक्स का वेरिएबल है, यहां पे आपके पास यू का वेरिएबल है, इस तरह भी यहां पे भी एफ ऑफ जी प्राइम है। तो ये आपने, मैंने आपको पहले भी बताया था चेन रूल, जब हमने पढ़ा था चेन रूल का पूरा लेक्चर, चेन रूल की डेफिनेशन, उसका फार्मूला, उसको डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने अपलोड किया, वो लेक्चर अगर आप देखना चाहते हैं उसका लिंक भी जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो भी जाके आप लोग लाजमी देखें, वो देखेंगे तो आपको इस लेक्चर की बड़ी अच्छे से समझ आएगी। उसके अंदर हम लोगों ने चेन रूल का एक फार्मूला भी पढ़ा था, इसी शेप का था, यही फार्मूला था कि एफ ऑफ जी प्राइम विच इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है। फार्मूला हमारे पास ये होता है, अगर आपको इस तरह से एक कंपोजिटिव फंक्शन है कि दो फंक्शंस आपस में इंटरमिक्स हो रहे हो, दो फंक्शंस अगर आपस में मिक्स हो रहे हूं तो जहां पे दो फंक्शंस आ जाएं वहां पे हम लोग चेन रूल का फार्मूला लगाते हैं। कौन सा फार्मूला यहां पे यूज करेंगे, एफ ऑफ जी प्राइम विच इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स और फिर इस फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव जी प्राइम ऑफ एक्स। ये वाला फार्मूला हम इन सारे के सारे क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे क्योंकि हमें उसने खुद से बोला हुआ है कि एफ ऑफ जी प्राइम आपने फाइंड आउट करना है एट एक्स एक्स पे, जो भी उसने एक्स की वैल्यू दी होगी, डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट एक्स की वैल्यू मौजूद होगी तो आप लोग उसको लेके चलेंगे। तो इसके अंदर हमें अब क्या क्या चाहिए, इसके अंदर एक तो आपके पास जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स हमारे पास ऑलरेडी स्केयर रूट एक्स है, एक तो हमें जी प्राइम ऑफ एक्स चाहिए यानी कि हमें इसका डेरिवेटिव भी चाहिए, इसके अलावा हमें क्या क्या चाहिए, हमें इस सारे के सारे फंक्शन का डेरिवेटिव भी चाहिए यानी कि हमें जी ऑफ एक्स तो हमारे पास है ही है, उसके बाद ये जो हमारे पास एफ वाला फंक्शन उसने दिया है ये वाला एफ ऑफ यू, ये वाला एफ प्राइम, इसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, उसके अंदर हम लोग इस जी ऑफ एक्स को रखेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब सारी की सारी हम वैल्यूज निकाल लेंगे, सारी वैल्यूज को इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। सिंपल है, इजी है, एक क्वेश्चन सिर्फ समझ लें, एक क्वेश्चन कंप्लीट समझ लें, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेंगे, मैं इस चीज की आपको गारंटी देता हूं। देखें जी बात करते हैं, सबसे पहले आप लोग इस चीज को ले लें, यू इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्केयर रूट एक्स। तो अगर इसको मैं ले लेता हूं यू विच इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू आपके पास है जी स्केयर रूट एक्स, हम लोग क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव लेंगे, हमें ये देखें ना, हमें ये चाहिए जी प्राइम ऑफ एक्स चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव लेंगे जी प्राइम ऑफ एक्स, तो डेरिवेटिव ये इसको हम लोग लिख सकते हैं, स्केयर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 स्केयर रूट एक्स, ठीक है। ये हमने बहुत दफा पढ़ चुके हैं कैसे होता है ये वाला, जब आप यहाँ पे स्केयर रूट खत्म करेंगे तो ये बनेगा एक्स की पावर 1/2, पावर उड़गाएंगे तो 1/2 पीछे आ जाएगा, फिर उसकी पावर में एक माइनस हो जाएगा, जब उसकी पावर में एक माइनस होगा तो वो -1/2 बनेगा, तो हमने उसको नीचे लिख दिया स्केयर रूट एक्स, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव ये आता है, तो जी प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास आ गया। अब बेसिकली हमारे पास एक्स किसके बराबर है, एक्स हमारे पास 1 के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 1, जब हमारे पास एक्स 1 के बराबर होगा तो फिर यहां पे अगर आप लोग पुट करते हैं तो ये क्या बनेगा, जी ऑफ 1 क्या बनेगा, जी ऑफ 1 बनेगा स्केयर रूट 1, जो कि 1 ही होता है, ठीक है। और जी प्राइम ऑफ 1 क्या बनेगा, जी प्राइम ऑफ 1 बनेगा, यहां पे भी एक्स पे 1 पुट करेंगे तो ये 1/2 बन जाएगा, ठीक हो गया जी।
देखिए मैं तरतीब के साथ ईच एंड एवरी स्टेप आपको क्लियर करके बता रहा हूँ। हमने क्या किया, जी एफ एक्स हमारे पास ये था, तो एक्स की जगह पे जब हमने वन पुट किया तो ये जी एफ वन बन गया, वन बन गया, ठीक हो गया। अब जी प्राइम ऑफ एक्स था, यहाँ पे भी वन पुट किया तो ये बन गया वन ओवर टू, क्योंकि स्केयर रूट वन वन ही होता है, तो वन ओवर टू बन गया। अभी हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं, अब हमें चाहिए एफ प्राइम, यानी कि इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव चाहिए, तो इसका फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो ये बनेगा एफ प्राइम इंटू यू विच इज इक्वल टू, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा, यहाँ पे पावर लगेगा तो ये बन जाएगा फाइव यू की पावर फोर, आगे वन का डेरिवेटिव जीरो होता है तो इसको वैसे के वैसे रहने दे, ये बन गया आप लोगों के पास फाइव यू की पावर फोर। अब यहाँ पे देखें एफ प्राइम ऑफ यू आपके पास आया फाइव यू की पावर फोर। अब यू बेसिकली किसके बराबर है, यू आपके पास जी एफ एक्स के बराबर है, और जी एफ एक्स की जगह पे जब हमने वन पुट किया तो ये बना था जी एफ वन, ठीक है। जी एफ वन किसके बराबर था, वन के बराबर, तो जी एफ वन हम लोग यू की जगह पे क्या रखेंगे, जी एफ वन रखेंगे, तो यहां पर रख लेते हैं एफ प्राइम ऑफ जी एफ वन विच इज इक्वल टू, तो जी एफ वन किसके बराबर था, वन के बराबर था, तो ये बन जाएगा एफ प्राइम ऑफ वन, ठीक है जी, विच इज इक्वल टू, यानी कि जहां जहां पे यू है वहां वहां पे वन पुट करेंगे, तो u की जगह पे 1 पुट किया तो 5 1 की पावर 4 विच इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये आपके पास आ गया f प्राइम ऑफ जी एफ 1 या फिर f प्राइम ऑफ 1, क्योंकि जी एफ 1 सारा का सारा 1 के बराबर है, समझ आ गई इस बात की। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले के अंदर ये सारी की सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो देख लेते हैं जी ये क्या बनेगा आपके पास। हमने क्योंकि x के लिए सॉल्व करें तो ये बनेगा f ऑफ g प्राइम ऑफ x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिखने, क्योंकि हमने 1 के ऊपर चेक करना है, कहता जी x की वैल्यूज के ऊपर देखें ना क्वेश्चन में उसने क्या बोला हुआ आप लोगों को, क्वेश्चन में कहता जी एट दी गिवन वैल्यूज ऑफ x, कहता जी आपने क्या करना है f ऑफ g प्राइम फाइंड आउट करना है एट गिवन वैल्यूज ऑफ x, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 दी हुई है तो फिर यहाँ पे भी आप लोग लिखेंगे f ऑफ g प्राइम ऑफ 1 विच इज इक्वल टू, इसका फार्मूला इसी शेप में लिखें यहाँ पे, तो ये बनेगा f प्राइम ऑफ g ऑफ x की जगह पे 1 है तो 1 लिख दें, उसके बाद है g प्राइम ऑफ 1, x की जगह पे 1 लिखना g प्राइम ऑफ 1, ये फार्मूला बन गया, यहाँ पे वैल्यूज पुट करें आंसर आ जाएगा। देखें जी f प्राइम ऑफ g ऑफ 1 हमने भी निकाला, f प्राइम ऑफ g ऑफ 1 आपके पास किसके बराबर है 5 के, 5 लिख लें, g प्राइम ऑफ 1 कहाँ पे है, g प्राइम ऑफ 1 आया 1 ओवर 2, 1 ओवर 2 लिख लें, तो ये क्या बन जाएगा 5 एक बार 5 एक बार 5 और ओवर 2 आ जाएगा, ये है जी आपके पास f ऑफ g प्राइम ऑफ 1, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 67। अगर समझ नहीं आई दोबारा से वीडियो को देखें, फिर भी समझ नहीं आती तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मजीद क्लियर हो जाएगा और आपको सारा का सारा लेक्चर सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। मुझे पता थोड़ा सा ना ये वो कहते हैं जिस तरह पंजाबी में कहते हैं गुंजल गुंजल पे आ जाना, ये इस तरह का क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा इसको करेंगे प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगी। मैं दोबारा से क्वेश्चन नंबर 68 करता हूँ फिर आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो 95% हो गया, 5% रह गया आपका डाउट, तो वो भी इंशाल्लाह क्लियर कर देते हैं। देखें जी क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं, तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसे के वैसे ही, आप लोग इसी स्टेप्स को फॉलो करते हैं, इस क्वेश्चन को भी आप लोग हल कर सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले क्या करना है जी, हम लोगों ने वही फाइंड आउट करना है, यही फार्मूला एफ ओ जी प्राइम, यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लेना है, यू लेना है, तो यू है हमारे पास जी एफ एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको ले लेते हैं यू विच इज इक्वल टू जी एफ एक्स विच इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स है यहाँ पे आप लोगों के पास। उसके बाद देखें जी यहाँ पे आपके पास होंगे 1 ओवर 1 माइनस एक्स को, तो 1 माइनस एक्स को ऊपर लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा जी 1 माइनस एक्स की पावर में माइनस 1 आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे इजीली इसका डेरिवेटिव यहाँ पे ले सकते हैं, तो ये क्या बनेगा आपके पास g प्राइम ऑफ x विच इज इक्वल टू, डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस 1 पीछे आ जाएगा, 1 माइनस x की पावर में एक माइनस कर देंगे। अब दोबारा से इसका x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये साथ माइनस है तो माइनस 1 दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा g प्राइम ऑफ x विच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको नीचे लेके चले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 ओवर 1 माइनस x, नीचे जाकर 2 बन जाएगा। अब देखें जी आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपके पास एट x इज इक्वल टू माइनस 1 है, जब माइनस 1 पुट करेंगे एट x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे तो आपके पास g ऑफ माइनस 1 क्या आएगा, g ऑफ माइनस 1 आप लोगों के पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 1 पुट करेंगे तो 1 ओवर 1 माइनस इंटू 1 ओवर 2 आ जाएगा, g ऑफ माइनस 1 आपके पास आएगा 1 ओवर 2, और g प्राइम ऑफ माइनस 1 क्या आएगा जी, g प्राइम ऑफ माइनस 1 यहाँ पे माइनस 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा जी 1 ओवर 4,
इसको आप लोग हाईलाइट कर लें ताकि बाद में आप आपको उसको करेंगे आपको इजी हो जाएगा। तो जी ऑफ माइनस वन वन ओवर टू, जी प्राइम ऑफ माइनस वन यहाँ पे पुट करेंगे एक्स की जगह पर तो ये आ जाएगा वन ओवर फोर। ठीक है जी, अब आप लोगों ने क्या लेना है जी, अब यहाँ पे तक हमने कर लिया, अब फंक्शन की बारी है यहाँ पे, तो इसको ले लें जी एफ प्राइम ऑफ यू विच इज इक्वल टू वन का डेरिवेटिव, इसको लिख लें जी वन माइनस यू की पावर माइनस वन डी ओवर डी यू, क्योंकि यहाँ पे यू यूज हो रहा है ना, तो यू की रिस्पेक्ट से ही यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव लेंगे। तो वन का डेरिवेटिव तो जीरो होता है, तो ये माइनस वन प्लस वन पीछे आ जाएगा वन यू की पावर में, एक और माइनस करेंगे तो माइनस टू हो जाएगा, इसको नीचे लेके चले जाएंगे तो ये बन जाएगा वन ओवर यू का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो देखें दरअसल यू किसके बराबर है, दरअसल यू बराबर है जी ऑफ एक्स के, तो एक्स की जहाँ पे हम पुट करना माइनस वन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ माइनस वन। ठीक है, इसकी यू की जगह पे हमने क्या पुट किया जी ऑफ माइनस वन, तो जी ऑफ माइनस वन किसके बराबर है, जी ऑफ माइनस वन बराबर है वन ओवर टू के, तो ये आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ वन ओवर टू विच इज इक्वल टू, अब वन ओवर टू पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस फंक्शन में वन ओवर टू यहाँ पे यू की जगह पे पुट करेंगे, तो वन ओवर टू पुट करेंगे तो ये वन ओवर टू का स्केयर वन ओवर फोर हो जाएगा, तो फोर ऊपर जाके फोर बन जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू आ गई एफ प्राइम ऑफ वन ओवर टू की। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जो है ना वो जो हमारे पास फार्मूला उसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, एफ ऑफ जी प्राइम ऑफ एक्स की जगह हमारे पास एक्स की वैल्यू माइनस वन है विच इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला होता है जी एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ माइनस वन जी प्राइम ऑफ माइनस वन। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास एक्स की वैल्यू माइनस वन है तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें, एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ माइनस वन हमारे पास फोर के बराबर है और जी प्राइम ऑफ माइनस वन हमारे पास वन ओवर फोर के बराबर है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा वन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 68। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69 में कहता है एफ ऑफ यू विच इज इक्वल टू कॉट पाई यू ओवर 10 यू इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 5 इनटू स्क्वायर रूट एक्स, और एक्स यहां पे उसने दिया वो 1, तो सिंपल वही स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, आपके पास इसको ले लेंगे यू विच इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 5, एक्स के स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं आप लोग एक्स की पावर 1 ओवर 2, क्योंकि हमने डेरिवेटिव लेना है तो यहां पे पावर रूल लगाएंगे सिंपलीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लें, डेरिवेटिव लेते हैं जी प्राइम ऑफ एक्स, तो ये क्या बनेगा, पावर पीछे आ जाएगी 1/5 साथ 1/2 पीछे आ जाएगी, तो एक्स की पावर में एक और माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा -1/2, तो अब ये आपके पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा जी जी प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, ये बन जाएगा जी 5/2, एक्स को नीचे लेके जाएंगे 1, एक्स को नीचे लेके जाएंगे तो ये बनेगा जी स्क्वायर रूट एक्स बन जाएगा 5/2 इनटू स्क्वायर रूट एक्स बन जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस पॉइंट पे वैल्यू चेक करनी है, तो यहाँ पे लिखें जी एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे जी ऑफ 1 क्या होगा आपके पास, हाँ जी यहाँ पे देखें जी, ये जी यहाँ पे देखें जी ऑफ 1, जी ऑफ 1 क्या होगा आपके पास, यहाँ पे 1 पुट करें तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है जी, एंड और जी ऑफ 1 आपके पास आ गया 5 और जी प्राइम ऑफ 1 क्या होगा, अब जी प्राइम ऑफ 1 आपके पास क्या होगा, यहां पे 1 पुट करें तो ये बन जाएगा 5/2, एक ये वैल्यूज आपके पास यहां पे आ चुकी है, एक आपके पास यहां पे ये वाली वैल्यूज आ चुकी है। अब हमने लेना इस फंक्शन को ले लेना, तो फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे एफ प्राइम ऑफ यू विच इज इक्वल टू, अब क्योंकि यहां पे कॉट है, कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, यहां पे लिखें जी माइनस कोसिकेंट स्क्वायर पाई यू बाई 10, दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे पाई यू बाई 10 का, तो यू का डेरिवेटिव 1 होता है तो पाई बाई 10 वैसे का वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस पाई बाई 10 को आप लोग पहले लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा जी कोसिकेंट स्क्वायर पाई यू बाई 10 यहां पे आ जाएगा। उसके बाद देखें जी हमारे पास क्या होगा, अब देखें जी यहां पे यू बेसिकली किसके बराबर है, यू बराबर है जी ऑफ एक्स के, जी सॉरी यहां पे एफ है तो एफ लिख लेते हैं जी, ये क्या बनेगा जी एफ प्राइम, यू आपके पास जी ऑफ एक्स के है और एक्स जहां पे आपके पास 1 है, तो यहां पे लिखे एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ 1। ठीक है जी, एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ 1 और जी ऑफ 1 5 के बराबर है, जी ऑफ 1 5 के बराबर है, तो जहां जहां पे यू है वहां पे आप लोग 5 पुट करेंगे, तो ये बनेगा जी माइनस पाई बाय 10
कोसिकेंट स्क्वायर पाई और साथ 5/10 आ जाएगा, उसको कैंसिल कर देंगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये बनेगा जी -π/10 कोसिकेंट स्क्वायर, कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा π/2। ठीक है जी, π/2 बन जाएगा। आप देखें यहाँ पे एक आपके पास कोसिकेंट π/2 किसके बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कोसिकेंट देखें साइन, कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, तो साइन π/2 इनके साइन 90 आपके पास 1 के इक्वल होता है, तो ये भी फिर 1 के इक्वल ही होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ 1 विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -π/10, क्योंकि सारा 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 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी -π/10। अब सिंपली एंड पे आप लोग फार्मूला लगाएंगे, आपके पास फार्मूला होता है जी एफ ऑफ जी प्राइम ऑफ एक्स पे 1 है तो 1 पुट करें, ये फार्मूला क्या लगेगा आपके पास, एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ 1 और जी प्राइम ऑफ 1, ये फार्मूला बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ 1, एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ 1 आपके पास आया -π/10 -π/10, और आप लोगों के पास जी प्राइम ऑफ 1 किसके बराबर था, जी प्राइम ऑफ 1 बराबर 5/2 के, तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग 5/2। इसको सिंप्लीफाई करें, कैंसिल कर दें इसको, तो ये बन जाएगा -π/4। ये आ गया जी एफ ओ जी प्राइम ऑफ 1। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है जी, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं जी।